मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे सिग्निफिकेंट मूवमेंट था, क्योंकि इसके बाद जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसकी पेस बढ़ गई थी। आपको पता है बेसिक इन्फॉर्मेशन की वर्ल्ड वॉर वन जो है किन किन के बीच में था, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, और दूसरी तरफ कौन से थे, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर। इसमें और जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर हार गए थे और ये साइड जीत गई थी। नाउ अब गांधी जी के अराइवल से इतना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मूवमेंट क्यों है, ये आपकी बुक में भी है एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप इसे प्लीज याद रखिएगा, या फिर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसे नोट्स पे बना लीजिएगा। नाउ अराइवल ऑफ गांधी जी, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया उन्होंने, 18 में अहमदाबाद में स्ट्राइक किया एंड 19 में खेड़ा सत्याग्रह किया। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि दीज वर द आई काइंड ऑफ प्रैक्टिस टू गांधी जी की कैसे आने वाले टाइम में बड़ी चीज कैसे हम लॉन्च कर सकते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ये कुछ प्रैक्टिस टेस्ट जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं, ये उसकी तरह काम आए। चंपारण सत्याग्रह क्या था, आपको पता है कि जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि आपको इंडिगो ग्रो करनी है, तो उसके अगेंस्ट गांधी जी लड़े हुए थे। इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस भी बोला जाता है गांधी जी का। क्यों बोला जाता है कि जब गांधी जी चंपारण जा रहे थे पीजेंट्स का साथ देने के लिए, तो उस टाइम पे उनके अगेंस्ट ऑर्डर्स थे कि वो एंट्री ना ले वहां पे, उनको अलाउड नहीं था, तो फिर भी उन्होंने ऑर्डर नहीं माना और वो वहां पे गए और पीजेंट्स के साथ उन्होंने मिलके सत्याग्रह किया। तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस कि हम नहीं मानेंगे, ठीक है, हम डिसोबे कर रहे हैं आपके ऑर्डर्स को, तो उन्होंने ये किया था उस टाइम पे। यही सिविल डिसोबीडियंस आगे जाके एक बड़े लेवल में कन्वर्ट होने वाला है। नाउ 18 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो इस टाइम पे जो था कि मिल स्ट्राइक में क्या था कि टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा कर रहे थे, और जब 1/3 प्रोड्यूस कम होती थी ना तो टैक्स भी कलेक्शन कम होता था, लेकिन उसके बावजूद ज्यादा टैक्स उनसे कलेक्ट किया जा रहा था, तो वहां पे उन्होंने पहली हंगर स्ट्राइक किया था। और उसके बाद आपको पता है गांधी जी ने मल्टीपल इवेंट्स पे बहुत सारी हंगर स्ट्राइक किए जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स भी आए हैं। 1918 में देयर वाज दिस खेड़ा सत्याग्रह, वहां पे जो वर्कर्स थे और जो मैनेजमेंट थी उनके बीच में, इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके बीच में लड़ाई थी। वर्कर्स डिमांड कर रहे थे 1/3 इंक्रीज इन वेजेस एंड मैनेजमेंट मान नहीं रही थी, तो उस टाइम पे फिर वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, हम काम कॉपरेट नहीं करेंगे जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी। एंड एट द एंड फिर जो गांधी जी थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन वर्कर्स के साथ किया और उनकी सारी डिमांड्स उन्हें जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको माननी पड़ी। तो ये तीनों जो थे सत्याग्रह वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने नोटिस नहीं की कि व्हाट इज दिस सत्याग्रह, सत्याग्रह था क्या। हमने चंपारण सत्याग्रह किया और गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए, लेकिन इस सत्याग्रह का आइडिया है का क्या, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के दो आइडियाज, एक तो सत्याग्रह एंड ट्रस्टीशिप, इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं जल्दी से। सत्याग्रह का मतलब, इसको अगर हम ब्रेक करें, इसका संधि विच्छेद करें, तो सत्य प्लस आग्रह इसका बनता है, राइट, यानी इंसिस्टिंग अपॉन ट्रुथ। तो सत्य के लिए हम आग्रह कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सत्याग्रह है ये किन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, सबसे पहला टू अपहोल्ड ट्रुथफुल एंड जस्ट डिमांड, कि आप जिस भी चीज के लिए सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं वो डिमांड्स आपकी जस्ट होनी चाहिए, ठीक है, और ट्रुथफुल डिमांड होनी चाहिए। जैसे कि वो वर्कर्स थे, उनका डिमांड था कि उनकी वेजेस बढ़ाई जाए, तो क्योंकि ठीक है इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा था और ये जस्ट डिमांड्स थी। ऐसा नहीं है कि आप हमें 100% वेजेस बढ़ा दो, नहीं, ऐसा नहीं। तो जस्ट डिमांड होनी चाहिए सत्याग्रह जिसके लिए आप कर रहे हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो सत्याग्रह का था वो नॉन वायलेंस, अहिंसा। आपने देखा है गांधी जी का हमेशा ही एक मंत्र रहा है अहिंसा का, नॉन वायलेंट। तो ये जो सत्याग्रह आप कर रहे हो ये नॉन वायलेंट होना चाहिए, मतलब किसी से बदले की भावना से नहीं होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। एक सत्याग्रही जो है वो नॉन वायलेंस से भी क्या बैटल को विन कर सकता है, राइट, नॉन वायलेंस के थ्रू। कैसे करेगा, बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर, कि ऑपरेसर से अपील करनी है आपको, ठीक है, उसकी कॉन्शियंस को अपील करना है। अ वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड नॉट ऑफ द वीक, अब नॉन वायलेंस उनका मानना था कि एक कमजोर व्यक्ति नहीं नॉन वायलेंस कर सकता। आप खुद ही देखो, जैसे अगर कोई हमें कुछ बहुत बुरा कह जाए, हमारे साथ कुछ बुरा कर जाए, तो आपको भी वापस उल्टा गुस्सा आता है ना। ताकत कहाँ लगेगी, जब आपको वापस गुस्सा नहीं करना है, नॉन वायलेंट तरीके से ही ये लड़ाई को लड़ना है, ना। सो दैट इज व्हाई यू बिलीव कि जो नॉन वायलेंस है ये वेपन है एक स्ट्रांग पर्सन का, स्ट्रांग मेंटालिटी का,
कि उसे कंट्रोल है कि वो वायलेंस पे नहीं आ रहा है और ये वीक का हथियार नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बुराई से जो है उससे नफरत करो, बुरा करने वाले से नहीं। नॉट बट हेट द इविल, नॉट द इविल डूअर, क्योंकि इंसान सब अच्छे होते हैं, बस कर अलग हो जाते हैं। तो उस बुराई से, चोर से नफरत मत करो, उसकी चोरी से करो। सेकेंड आइडिया गांधी जी का जो था वो था ट्रस्टीशिप का। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या है कि जितने भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग हैं, इंडस्ट्रियल लोग हैं, इनके पास जो वेल्थ है ये बस एज अ ट्रस्टी है उनकी, उनकी खुद की पर्सनल वेल्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स उन्हें वो सब चीजें क्रिएट करके दे रहे हैं, राइट? तो ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है ये सिर्फ ट्रस्टी है प्रॉफिट्स की, ठीक है? प्रॉफिट्स जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो प्रॉफिट्स है इसीलिए इन्हें यूज करना चाहिए वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, ठीक है? तो ये ट्रस्टीशिप मतलब ये जो प्रॉफिट्स हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, ये उसके ऑनर नहीं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स ने मिलके मेहनत से, अगर वर्कर्स उनके प्रोडक्ट्स को यूजफुल नहीं बनाते काम करके, तो वो प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पाते। तो ये जो भी वेल्थ है ये एक मतलब एक ट्रस्टी की तरह रखी हुई है उनके पास, और उस वेल्थ को उन्हें जो वर्कर्स हैं, जो सोसाइटी है, उनके लिए यूज करनी चाहिए, ठीक है? तभी आप देखोगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जितने भी बड़े बड़े टाटा हुए, रिलायंस हुए, ये क्या करते हैं, ये वेलफेयर एक्टिविटीज जो करते हैं, बहुत सारे एनजीओ चलाते हैं, खाना देते हैं, बहुत सारी चीजें, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, स्कूल्स बनवाते हैं। वो इसी वजह से कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे आर अर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी, वो सोसाइटी से अर्न कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को वापस भी पुश दें। तो आज हम बस इतना ही करने वाले हैं। इसके आगे का टॉपिक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर 1 का क्या इम्पैक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। आई होप ये बैकग्राउंड आपको थोड़ा समझ आया है। अगला जो क्लास है, हम अगला जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।